दोस्तों, आपका एम एस चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फै विज्ञान। तो ये हमारा जो विषय है, कल हमने वीडियो बनाया था तो उसमें काफ़ी हमारे कुछ भाइयों के क्वेश्चन देखे जो अमाइल है, हमारे इससे कोई काम नहीं होता। तो मैं देखता हूँ, ये अमाइल अमाइल एसीटेट है। तो ये क्या है कि ये किसी भी गारमेंट पे आप लगा सकते हैं, सिर्फ किस पे नहीं लगा सकते, पिगमेंट पेंट, रबर पेंटिंग, लेदर, और जो जो इस टाइप के जो कलर होते हैं, जो ऊपर एक साइड में जो कलर किए होते हैं, उभरे हुए कलर होते हैं, जैसे छू के देखते हैं ना, उभरापन होता है, जिसमें एक साइड में पेंट होता है, दूसरे साइड में प्लेन होता है, पिगमेंट प्रिंट वगैरह, स्क्रीन प्रिंटिंग और रबर पेंटिंग, इस टाइप के गारमेंट पे नहीं लगा सकते। उस पर लूरेक्स, मोती, सितारे जो सही क्वालिटी के ना हो। तो आपको दिखाता हूँ एक्सपेरिमेंट कि हमने ये ब्लैक से लिखा है और ये ब्लैक हमारा, ये भी ब्लैक है। तो इससे भी लिखता हूँ अमाइल एसीटेट। तो इन दोनों में फर्क क्या है कि मैंने ये लिखा और लिखने के बाद कि हम इसको मिटाते हैं, अब लिखने के बाद हम इसको मिटाते हैं, ये बाद में लिखा था या पहले लिखा था, इसको हम रगड़ते हैं, बिल्कुल नहीं निकल रहा, बिल्कुल कितना रगड़ेंगे नहीं निकल रहा। तो ये क्या, ये जो है इसको, ये है परमानेंट मार्कर, और ये हमारा जो था, ये था हमारा वाइट बोर्ड, यानी टेम्परेरी बोलते हैं, वो है मार्कर है। ये जितने भी हैं मार्कर, ये हमारे जैसे ब्लू है, ये ब्लू कलर है, और ये हमारा इसमें रेड कलर है, ये रेड कलर हो गया, और हमारा ये इसमें ग्रीन कलर हो गया, ग्रीन कलर है। तो ये क्या कि ये इमीडिएट निकल जाएंगे, इसको ऐसे हम साफ करेंगे, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो ये नहीं निकला, क्यों नहीं निकला, क्योंकि ये परमानेंट मार्कर है। और उसी तरह हमारा एक होता है इसमें, जो गारमेंट के ऊपर जो लगाया जाता है निशान लगाने के लिए, क्योंकि मार्कर का मतलब होता है कोई भी केमिकल यूज करे वो ना निकले, और निकल जाएगा तो उसका बेनिफिट नहीं है। तो दूसरा फिर होता है येलो मार्कर, येलो मार्कर होता है, उसको निकालने के लिए हम इस पे यूज करते हैं सैरिकॉल, सैरिकॉल यूज करते हैं, साथ में यूज करते हैं उसमें हेक्सीन या कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हेक्सीन या कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करते हैं इसके साथ में, सैरिकॉल के साथ में। तो क्या है कि वो उसको निकाल देता है, कि कोई भी मुश्किल नहीं है। अब क्या है कि ये तो हमारा छुड़ जाता है, आराम से लगाते हैं छुड़ जाता है क्या। और अब हम यूज करते हैं इस पर अमाइल एसीटेट, और साथ में हम चाहे तो इसको एसीटोन से भी निकाल सकते हैं, दोनों से। तो ये दिखाता हूँ आपको, मैंने थोड़ा सा ये अमाइल लिया, अमाइल से कपड़ा गीला कर लिया थोड़ा सा, ये कपड़ा गीला किया और इसके ऊपर मैं लगाता हूँ, ये लगाते के साथ ही बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल दिखाई दे रहा। उसी तरह इस कपड़े के इस हिस्से पे मैं एसीटोन लगाता हूँ, ये एसीटोन मैंने इस पे लगाया कपड़े के ऊपर, और हम ये जो हमारी लिखा है इसके ऊपर इसको टच करते हैं, करते के साथ ही बिल्कुल स्मूथ निकाल देता है। लेकिन क्या है कि अमाइल ज़्यादा बेटर काम करता है ब्लैक के स्टेन के, जो ब्लैक कलर के जो दाग होते हैं, और एसीटोन भी करता है, ऐसा नहीं एसीटोन नहीं करता, लेकिन एसीटोन से थोड़ी ज़्यादा पावर है इसमें अमाइल। और अमाइल के साथ में इसका दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है, इसको बोलते हैं हम बेंजीन, बेंजीन ज़्यादा स्मेल होती है, स्मेल तो इसके अंदर बहुत होती है। जब भी कपड़ा इंडस्ट्री में जाते हैं हम, जहाँ पे क्लीनिंग का फिनिशिंग का काम होता है, सबसे पहले हमें या तो हेक्सिन की स्मेल आएगी या अमाइल एसीटेट की स्मेल आएगी, क्योंकि ये जो
मिठास के ऊपर होती है, मिठास दे हुए एक स्मेल इसकी, जबकि ऐसी टोन एक तरह कड़वापन होता है कि गले में ऐसा लगता है जैसे कड़वापन हो गया। तो दोस्तों केमिकल गलत नहीं होते, जब हमें नॉलेज नहीं होती, हम अनुभव की कमी होती है, तब हम बहाने ना लगाएं उसको, सीरियस होके सोच को पॉजिटिव रख के अगर करेंगे तो सब काम हो जाएंगे, क्योंकि सोच के ऊपर ही दुनिया कायम है। तो दोस्तों कपड़ा क्लीनिंग का काम यूं ही सुचारू रूप से चलता रहेगा, बने रहे आप साथ में। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।